फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि तिल पपड़ी बन के रेडी होगी। ये गुड़ की तिल पपड़ी बन के रेडी होगी। 100 ग्राम तिल लिया है, 100 ग्राम गुड़ लिया है। एक कढ़ाई में तिल को अच्छे से भुना है और तिल चटकने के बाद उसको बाहर निकाल लिया है मैंने और रेडी कर लिया है तिल को। ये तिल चटक गया है, इसको बाहर निकाल दिया है, अच्छे से रोस्ट किया है इसको और जल्दी से भुनने के बाद इसको गैस को बंद करके तो ठंडा होने के लिए रखा है यहाँ पे। ये कढ़ाई में 100 ग्राम गुड़ डाला है, अच्छे से क्रश किया है गुड़ को, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ये। और 1 चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे, अच्छे से घी भी ऐड कर दिया इसमें, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अभी गुड़ मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, इसको देखेंगे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हुआ या नहीं। अच्छे से मेल्ट हो गया है तो इसको स्काउच के बाउल्स में थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें देखेंगे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अभी इसका पता चल जाएगा। पानी में ये ऊपर से आ गया है तो अच्छे से गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इतना ही अपन को मेल्ट करना है। अब इसमें भुने हुए तेल डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। 4 से 5 इलायची को अच्छे से कूट के रेडी किया मैंने। अब इसमें तेल ऐड करेंगे। ये 1 कप तेल लिया है, 100 ग्राम तेल है, 100 ग्राम गुड़ है। अच्छे से मिक्स करना है इसको। इलायची पाउडर भी डालना है इसमें। इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं। ये अच्छे से तेल, गुड़ और इलायची को मिक्स किया है। अब जहाँ पे अपन को बेलना है वहाँ अच्छे से घी लगाना है। मैंने बेलन पे भी अच्छे से घी लगा के रेडी कर लिया है। अच्छे से प्लेटफॉर्म पे मैंने डाल दिया, अच्छे से घी लगाया। अब मैं इसको बेल रही हूँ। मैंने प्लेटफॉर्म पे बनाया है, अच्छे से घी लगाया था और फटाफट इसको गरम गरम ही चाकू से शेप में काट लिया था तो ये अच्छे से कट गया है। इसको बाहर निकालेंगे और अच्छे से बन के ये तिल पपड़ी रेडी हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत अच्छी सी तिल पपड़ी बन के रेडी हो गई है। ये गुड़ की चिक्की बन के रेडी हो गई है। ये तिल पपड़ी कहो, चिक्की कहो, तिल पपड़ी कहो, तिल पट्टी कहो, ये गुड़ और तिल की टेस्टी इलायची के साथ और घी के साथ बन के रेडी हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।